तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि लॉ कॉलेज या लॉ स्कूल में एडमिशन कैसे लेना चाहिए और क्या प्रोसीजर्स है एडमिशन लेने के और कौन ले सकता है और कौन नहीं। तो हाय फैमिली, वेलकम बैक टू मास्टर वकील चैनल एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह के और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ स्कूल में एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए आप दो क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो 12th के बाद एडमिशन ले सकते हो, जब आपने 12th कर ली उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट हो उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। तो आइए समझते हैं 12th वालों के लिए सबसे पहले कि अगर आप 12th कर लिए हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने 12th किया है, आपने अभी 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद आपको एक एग्जाम होता है, वो है क्लैट, ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप ये एग्जाम देते हो तो इस एग्जाम के थ्रू आप NLU's में अप्लाई कर सकते हो। आपको NLU's इसमें आप रैंकिंग लाओ और NLU's में एडमिशन ले सकते हो क्लैट के थ्रू। क्लैट के थ्रू आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप क्लैट नहीं देते हो तो आप कोई भी कॉलेज में, जिसमें भी आपको मन हो आप उसमें कॉलेज में जाओ, उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, किसी भी कॉलेज का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो 12th के बाद आप कोई भी एक कॉलेज में जाओ, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक ले रहा हूँ, रांची यूनिवर्सिटी। ओके, आप रांची यूनिवर्सिटी में गए, उसके बाद आपको वहां पे एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। आपने एंट्रेंस दे दिया, आप पास हो गए, आप वहां सेलेक्ट हो गए, तो आप 12th के बाद आप अगर कोर्स करते हो LLB का तो आपके लिए है 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ठीक है, 5 साल में आप लॉ कंप्लीट कर लोगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, आपने 3 साल ग्रेजुएशन कर चुका है, तो अब क्या करना चाहिए। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए है कि आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। फिर से एग्जांपल के लिए मैं रांची यूनिवर्सिटी ले रहा हूं, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में गए, वहां का एंट्रेंस टेस्ट पास किया आपने, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको लॉ कंप्लीट करने के लिए 3 साल का कोर्स करना होगा। मतलब आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल आपने लॉ किया, ठीक है, BA, BCom या फिर BBA, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको 3 साल लॉ करना होगा, जो कि 6 साल होता है अगर हम ऐसे गिनेंगे 12th के बाद। अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप इस ये करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 3 years + 3 years आपको लगेंगे, मतलब 6 साल। लेकिन आप अगर 12th के बाद इंटीग्रेटेड, आज के डेट में 99% कॉलेज जो है वो इंटीग्रेटेड लागू है, उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ये 12th वाला, ठीक है। 1% कॉलेज है जिसमें नहीं होता होगा, वो एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आपने 12th किया है तो आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, ग्रेजुएशन करके नहीं जाना चाहिए, आपको 1 साल बचाना चाहिए। अगर आप इसमें करते हो तो आपको 5 साल में आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका LLB का भी कोर्स हो जाएगा, मतलब आपका 1 साल कंप्लीट बच रहा है अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके जाओगे तो आपको 6 साल लगेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, आप कमेंट करके मुझे बताओ या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक यू।